नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ वैशाली। आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 अंतर जनपदीय 7 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कसिया पीयूष कांत रॉय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाहाटा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 25/1/2022 को जनसेवा केंद्र व दिनांक 2/10/2022 को स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करने के संबंध में थानाहाटा पर मुकदमा आपराधिक संख्या 39/2022 धारा 392/427 भदवी व मुकदमा अपराध संख्या 590/2022 धारा 394 भदवी में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम में गठित कर आज आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में आज दिनांक 15/10/2022 को थाना हाटा स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा हाटा देवरिया रोड के पास घटना में संलिप्त अंतरजनपदीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 छात्र लुटेरों को पहला मन्नू यादव उर्फ कामेश्वर पुत्र विशेश्वर यादव निवासी पन्नाहा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया, दूसरा दिनेश सिंह पुत्र स्वर्गीय भीम सिंह निवासी पत्थरहट थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया, तीसरा मोनू उर्फ छत्रसाल सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी करज थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, चौथा दुर्गेश कुमार भारती पुत्र शेष कुमार भारती निवासी महुआ थाना महुआडीह जनपद देवरिया, पांचवा कैफ अंसारी पुत्र रियाजुद्दीन अंसारी निवासी ग्राम सकरा पारा खुर्द थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 अदद अवैध पिस्टल, कट्टा कारतूस व लूटे गए माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही आवश्यक रूप से की जा रही है। अंतर जनपदीय लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से करीब 40,000 रुपये, 2 मोटरसाइकिल, कुछ गहने और अन्य कुछ डॉक्यूमेंट्स और जिन हथियारों से ये लूट की घटना करते थे वो सभी बरामद किए गए हैं। इन सारे व्यक्तियों के ऊपर करीब दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं अलग अलग जनपदों में। कुछ दिन पहले, जैसा कि आपको पता है, कि हाटा में जो स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी वो इन्हीं लोगों ने की थी। इसके पहले भी जनवरी में जब हाटा में लूट हुई थी, इन्हीं लोगों के द्वारा कारित की गई थी। इसके अलावा गोरखपुर में चौरी चौरा थाने के अंतर्गत और गौरी बाजार थाने क्षेत्र के अंतर्गत भी इनके द्वारा लूट की घटना कारित की थी। उनका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जो आज ये सारे लोग पकड़े गए हैं। उन सभी बिंदुओं की जाँच पड़ताल चल रही है कि और भी कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने घटनाएँ की हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।